हेलो गाइस, क्या हाल है आपके। तो आज हम आ गए फिर से एक और न्यू वीडियो के साथ, और इस वीडियो में है बहुत ही बेहतरीन सी 10 टिप्स एंड ट्रिक्स। मुझे पता है आपको काफ़ी पसंद करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स को। तो गाइस, इस वीडियो में कुछ टिप्स है और कुछ ट्रिक्स है, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, आप देख लेना आपके हिसाब से। तो शुरुआत करते हैं एक ट्रिक से। तो इस ट्रिक का नाम है टेक्स्ट बिहाइंड ऑब्जेक्ट। तो ये मेरी एक फुटेज है, तो देख सकते हैं आप, जो टेक्स्ट है वो मेरे पीछे है सिर्फ। तो इस इफेक्ट के लिए एक लाइक ठोको, काफ़ी बढ़िया इफेक्ट है। आगे मैं बताता हूँ इसे कैसे करते हैं। गाइस, ये इफेक्ट का एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि ये सिर्फ उसी फुटेज पे काम करता है जिसकी जो ऑब्जेक्ट है वो डार्क है और जो बैकग्राउंड है वो लाइट है। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ वो आप कैसे क्रिएट करोगे। तो मेरे पास जैसे एक क्लिप है, तो बस एडजस्टमेंट में जाकर प्ले करना है थोड़ा। जो फर्स्ट वाला स्लाइडर है उसको -100 तक आप स्लाइड करो नीचे। उसके बाद जो बीच वाला है कंट्रास्ट का, उसको +5 समथिंग कर दो। और जो लास्ट वाला है उसको -55। बस फिर आपके हिसाब से थोड़ा और एडजस्ट आप कर सकते हैं, मुझे ठीक लग रहा है। तो बस इस टाइप के आपको फुटेज क्रिएट करना है, उसके बाद ये इफेक्ट काम करेगा। तो चलिए आपको बता देता हूँ वो कैसे करते हैं। तो एक बार जब आपकी फुटेज रेडी हो जाए, तो उसके बाद जो आपको टेक्स्ट लगे वो लिख लो। अपनी कोई जो भी फेवरेट फॉन्ट हो वो आप सिलेक्ट कर लो, और बस इसे इस तरह से एडजस्ट करना है। शेडोज ऑफ कर दो, और अब मेन थिंग जो इसका ब्लेंडिंग मोड है आपको वो चेंज करना है। ब्लेंडिंग मोड में जाके बस ओवरले करना है, और ये बूम गाइस, आपका इफेक्ट रेडी है। गाइस, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लो आपकी फुटेज के साथ, जिससे ये और अच्छे से थोड़ा डिजोल्व हो जाए इफेक्ट। तो आप देख सकते हैं जैसे कि अब ये काफ़ी अच्छे तरीके से टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के पीछे चले गया है। काफ़ी बढ़िया इफेक्ट है गाइस, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सिनेमेटिक सीन में, कहीं व्लॉग में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है डे टू नाइट ट्रांजिशन इफेक्ट। तो ये इफेक्ट भी काफ़ी सिंपल है गाइस, जल्दी से मैं आपको समझा देता हूँ। अपने वीडियो पर क्लिक कर 3 डॉट्स पर क्लिक करके डुप्लीकेट एज लेयर पर क्लिक करो। उसके बाद लेयर पर क्लिक करके इसे आप फुल स्क्रीन पर कर लेना, जैसा मैंने किया अभी। उसके बाद जहाँ से आपको ट्रांजिशन शुरू करना है गाइस, वहाँ से जाके आप लेयर पर क्लिक करके ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड कर देना, ठीक है। तो इसके बाद कुछ सिंपल सी स्टेप्स है। आपको कलर फिल्टर में जाना है, लेयर पर क्लिक करके जो नीचे लेयर है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे लास्ट में जाना है आपको, और इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ये लास्ट वाला जो ब्लू वाला फिल्टर है उसको सिलेक्ट करना है। तो अपना आधा काम तो हो गया, अब कुछ एडजस्टमेंट्स करना है आपको। तो गाइस, एडजस्टमेंट हो जाने के बाद आपको इस क्लिप का इन एनिमेशन सेट कर लेना है फेड पर, और ड्यूरेशन आपके हिसाब से आप जितना रखना चाहे आप रख सकते हैं। आपको आपके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी देर से डे टू नाइट में कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर 5 रखा है अभी, तो इतनी लेट हो रहा है कन्वर्ट, तो वो आप पे डिपेंड है गाइस, देख लेना जैसा आपको सूट करे। चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट टिप की तरफ, पर एक बार आप इस क्लिप का रिजल्ट फिर से देख लीजिए। ओके, तो जो अगली ट्रिक है गाइज, उसका नाम है ग्लिच इफेक्ट। हाँ, मुझे पता है आपने कई वीडियो देखे होंगे, पर मैं जो आपको तरीका बताऊंगा ना, वो आपने कहीं नहीं देखा होगा। तो ये बस एक छोटा सा एग्जांपल के लिए मैंने एक छोटी सी क्लिप ली थी। तो बस दो स्टेप्स का काम है गाइज। पहले तो हमें जहाँ पर ग्लिच इफेक्ट स्टार्ट करना है वहाँ पर हमको एक कट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो पर क्लिक कीजिए, सीजर वाले आइकन पर क्लिक करके स्प्लिटेड प्ले हेड करेंगे, ठीक। ओके गाइस, तो अब जो है मेन थिंग, आपको एक ट्रांजिशन इफेक्ट यूज़ करना है जिसका नाम है प्रिज्म ग्लिच। गाइस, ये इफेक्ट आपके पास पहले से नहीं रहेगा, तो ये इफेक्ट कहाँ मिलेगा मैं आपको अगली ट्रिक में बता दूंगा, ठीक है। तो अगली ट्रिक में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो अभी इसको यूज़ करते हैं, आप
कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं, चार ऑप्शन है आपके पास, मैंने यहाँ पर राइट वाला सिलेक्ट किया है। तो अभी आपका आधा काम हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है, जो ये सेकेंड वाला पार्ट है ना गाइस, उसको हम स्प्लिट हेड प्ले हेड कर देंगे कहीं पर भी। अब जो लास्ट का जो पार्ट रिमेनिंग है उसको हम ड्यूप्लिकेटस लेयर करेंगे, ठीक है। तो अब जो लेयर वाला पार्ट है उसको हम फुल स्क्रीन पर पहले तो सबसे पहले कर देंगे, ठीक है। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा ही करना है गाइस आपको, ठीक है। तो अब जो नीचे वाला जो लेयर है उसको हम थोड़ा सा राइट साइड ड्रैग करेंगे। अब गाइस जो नीचे वाला लेयर है हम उसकी अल्फ़ा ओपेसिटी जो है उसको हम कम कर देंगे थोड़ा सा। तो आप देख सकते हो अभी ये अच्छा सा एक ग्लिच इफेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा काम और करना है, ये जो नीचे का जो लेयर है उसको हम राइट साइड से थोड़ा हटा देंगे, वो ज़्यादा देर तक भी अच्छा नहीं लगेगा जो चलेगा। तो अब कलर फिल्टर में जाना है गाइस इसकी, और थोड़ा फंकी सा कलर आपको सिलेक्ट करना है। तो मुझे लास्ट के दो कलर फंकी से लगते हैं, B37 और B38, रेड और ब्लू। तो इन दोनों में से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो मैं सोच रहा हूँ दोनों को यूज़ कर लूँ, थोड़ा थोड़ा आपको बता दूँ। तो पहले तो ये स्प्लिट नहीं हो रहा था इसलिए इसको थोड़ा लंबा करना पड़ा मुझे नीचे के वीडियो को। ये स्प्लिट करके मैं वापस इसे छोटा कर देता हूँ लेयर को। तो गाइज मैंने नीचे के लेयर को दो पार्ट में डिवाइड किया। अब जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें मैं ब्लू वाला कलर फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक अच्छा सा इफेक्ट आएगा, पहले रेड फिर ब्लू, तो ये काफ़ी बढ़िया लगेगा गाइज। तो अभी भी ये थोड़ा सा कमी लग रही है इसमें कुछ। तो गाइज हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट वाला जो लेयर का पार्ट था जिसमें रेड कलर फिल्टर यूज़ किया था, तो उसी को फिर से डुप्लीकेट करते हैं गाइस। तो इससे क्या होगा, इफेक्ट और डेंसर हो जाएगा, इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये और काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है गाइस। बस यही करना था गाइस आपको। अब हम हमारी अगली टिप की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस ये एक टिप है, फुल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। तो गाइस ये कोई इफेक्ट नहीं है, ये एक टिप है, जैसा कि आपको नाम से पता चल ही गया होगा। तो यार बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा इस बारे में, इसलिए मैंने सोचा बता दूं। तो गाइस आपको बहुत सारी चीज़ें काइनमास्टर प्रोवाइड करता है, तो उसको फुल यूटिलाइज़ करो गाइस, बहुत सारी चीज़ें। तो जैसे ये ट्रांजिशन इफेक्ट मैंने पिछली वीडियो में यूज़ किया था ना, मैंने वहीं से लिया था गाइस। देखो जो आप ट्रांजिशन इफेक्ट पे क्लिक करोगे, सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करना है और गेट मोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर बस क्लिक करो गाइस, और यहाँ पर इफेक्ट सारे लोड हो जाएंगे जो ट्रांजिशन इफेक्ट है। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया बढ़िया इफेक्ट्स है गाइस, और रेगुलर ये अपडेट होते रहते हैं गाइस। तो मैं देख लेता हूँ गाइस कोई सा न्यू अगर आया है। तो ये चेक इट करके मुझे न्यू लग रहा है गाइस, तो इसे प्रीव्यू करके भी हम देख सकते हैं गाइस कि कैसा लगेगा। थोड़ा मेरा नेटवर्क स्लो है, बड़ा बढ़िया इफेक्ट लग रहा है गाइस। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं करना है गाइस, सिंपल सा बस डाउनलोड पर क्लिक कर देना है और ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये इफेक्ट मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है, तो मैं आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। और मैंने ग्लिच इफेक्ट भी यहीं से लिया था गाइस, ठीक है। तो जाना है शेक इट पर, यूज़ करके देख लेते एक बार, बढ़िया इफेक्ट है गाइस, ठीक है। तो ऐसे करके गाइस आप कोई सा भी इफेक्ट, ट्रांजिशन इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं गाइस, ठीक है। ये देखिए, तो गाइस एक ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा, तो यहाँ पर से भी आप शॉप में जा सकते हैं। तो गाइस ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ट्रांजिशन इफेक्ट प्रोवाइड कराता है आपको, ये काफ़ी चीज़ें है गाइस। जैसे आप देखोगे ये इफेक्ट्स, मतलब इफेक्ट भी आप यूज़ कर सकते हो बहुत सारे अपने काइनमास्टर ऐप पर। तो ये बहुत सारे इफेक्ट भी प्रोवाइड करा रहा है, ट्रांजिशन इफेक्ट जैसा आपने देख ही लिए है सारे। ये ओवरलेस भी बहुत सारे प्रोवाइड कराता है, आप स्टिकर्स, टेक्स्ट एनिमेशंस, टेक्स्ट एंड टाइल्स, ठीक है गाइस। और हाँ गाइस एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये फंड जो आप ढूंढते हो ना गाइस इधर उधर कि ये फंड कैसे मिलते हैं, वो फंड कैसे मिलते हैं, सारी प्रोवाइड कर रहा है गाइस काइनमास्टर आपको। तो आप जाके एक बार देखोगे सारी फंड गाइस, सेंस सेरिफ, सेरिफ डिस्प्ले, हैंड राइटिंग, यहाँ तक कि चाइनीज़ फंड तक गाइस प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जो मोशन पोस्टर्स होते हैं वो भी आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं गाइस, किसी भी टाइप की फंड आपको अवेलेबल मिल रही है गाइस। तो और क्या चाहिए यार, बहुत सारे लोगों को पता नहीं था इस बारे में, तो ये बहुत यूज़फुल टिप है। तो आप
पूरा यूटिलाइज करो गाइज। और इसके ऊपर बहुत ही बड़ी भी बढ़िया एक तरीके से और वीडियो बन सकती है, मैं आपको अगली वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा गाइज। गाइज मुझे लग रहा है वीडियो की लेंथ कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो गई है, तो बाकी की जो ट्रिक्स है वो मैं आपको पक्का नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा गाइज। और बहुत ही बढ़िया बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स है गाइज, तो उसके लिए क्या करना होगा गाइज, आपको बस सब्सक्राइब कर दो तुम्हारे भाई के चैनल को, तो मैं जैसे ही वो वीडियो अपलोड करूंगा आपको वो सबसे पहले मिल जाएगी। तो उसके लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना गाइज, ठीक है? और बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहो गाइज। और हाँ गाइज, प्लीज़ कमेंट करके बताना यार, प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो या थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार, मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स का ही कहीं से ढूंढ टांड के लाऊंगा और बनाऊंगा गाइज। प्लीज़ कमेंट करके बता देना कौन सा पार्ट आपको यूज़फुल या आपके हेल्प आया कुछ। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।